दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी मैथ 2022 इस बार क्या कटऑफ रहने वाली है, कितने क्वेश्चन पर आपका चयन हो जाएगा प्रत्येक कैटेगरी में, और जो लास्ट ईयर 2021 में वैकेंसी आई थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, प्रत्येक कैटेगरी का कटऑफ क्या था, पेपर का लेवल क्या था, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो 2022 में ये वैकेंसी आई हुई है, इसका एग्जाम किस मंथ में होगा, और कौन सी बुक पढ़े, और क्या हमारी सटीक रणनीति होनी चाहिए जिससे हम पहली बार में ही एग्जाम क्रैक कर सकें और अपना चयन जो है सुनिश्चित करा सकें। तो दोस्तों, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास, अगर आपकी मैथ पे पकड़ है, अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कोई अवसर आपके पास नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी आई हुई है 2022 में, वो बालक वर्ग में 508 है और बालिका वर्ग में 25 वैकेंसी आई हुई है। जो 2021 की अगर हम तुलना करें 2021 से, तो 2021 में बालक वर्ग में जो 1822 वैकेंसी आई हुई थी और बालिका वर्ग में 167 वैकेंसियां थी, आवेदन जो है 70,000 हुए थे लगभग, और इसका एग्जाम जो संपन्न हो चुका था वो 8/8/2021 में संपन्न हो चुका था। पेपर लेवल जो था बहुत ही मीडियम था, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मैथ का अधिकतर बेसिक, हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछा गया था। 125 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन 4 अंक का था, तो 500 अंक का टोटल पूर्णांक था आपका, ठीक है। वो निगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं, 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, 500 अंक का आपका पेपर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि आप देख लीजिएगा पिछली बार वैकेंसियाँ काफ़ी थी, लगभग 2000 वैकेंसियाँ थी, इस बार बहुत ही कम है, मतलब इन वैकेंसियों का 1/4 ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी इस बार थोड़ी अधिक रहने वाली है। अब 2021 की कट ऑफ पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 2021 की कट ऑफ देखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बालक वर्ग में देखते हैं, बालक वर्ग में यूआर और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, हमने नंबर भी लिखे हैं, क्वेश्चन भी लिखे हैं और उसका प्रतिशत भी लिखा है। यूआर और जनरल में बात करें, 352 नंबर जिसके आ गए उसका चयन हो गया, 352 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 88 क्वेश्चन बैठते हैं, और 88 क्वेश्चन कितने प्रतिशत है 125 का, तो 70.4%। कहने का मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो पिछले वर्ष जो कट ऑफ रहा है 2021 में, वो 352 नंबर जिसके आए चयनित हो गए, 352 का मतलब 88 क्वेश्चन करने पर, और पेपर का 70.4%, तो उनका चयन हो गया। ओबीसी में 320 नंबर, क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन बैठेंगे, तो प्रतिशत की बात करें, पेपर जो प्रतिशत है वो 64% पर आपका चयनित हो गया ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में 328 नंबर, क्वेश्चन की बात करें तो 82 क्वेश्चन, और प्रतिशत की बात करें तो 65.6%। एससी की बात करें 288 नंबर, क्वेश्चन की बात करें तो 72 क्वेश्चन, और प्रतिशत की बात करें 57.6%, पेपर करने पर इनका चयन हो गया। एसटी की बात करें 260 नंबर, क्वेश्चन की बात करें 65 क्वेश्चन, और प्रतिशत की बात करें तो 52%, पेपर सॉल्व करने पर इनका चयन हो गया। और बालिका वर्ग की बात करें, पिछले वर्ष की 2021 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, इसके बाद हम 2022 पर भी चर्चा करेंगे। तो बालिका वर्ग में यूआर और जनरल में नंबर 328 नंबर, क्वेश्चनों की बात करें तो 82 क्वेश्चन बैठेंगे, और प्रतिशत की बात करें तो 65.6%, पेपर सॉल्व करने पर चयन हो गया बालिका वर्ग में। ओबीसी में 252 नंबर, क्वेश्चनों की बात करें तो 73 क्वेश्चन, प्रतिशत की बात करें तो 58.4%। ईडब्ल्यूएस में 304 नंबर, क्वेश्चन जो 76 क्वेश्चन बैठेंगे 4 से भाग करने पर, और प्रतिशत की बात करें तो 60.8% पर इनका चयन हो गया। एससी की बात करें 260 नंबर, क्वेश्चनों की बात करें तो 65 क्वेश्चन, और प्रतिशत की बात करें तो 52%, पेपर सॉल्व करने पर इनका चयन हो गया। और एसटी में कोई वैकेंसी थी नहीं बालिका वर्ग में। अब बात करते हैं 2022 की कट ऑफ के बारे में। तो जैसा आपको पता ही है कि इस बार जो है वैकेंसी जो है पिछले की तुलना में काफी कम है, 1/4 ही है, तो कट ऑफ स्वाभाविक है इससे तो ऊपर रहने वाली है। अब बात करते हैं हम बालक वर्ग में, उसके बाद बालिका वर्ग में बात करेंगे। तो यूआर जनरल में अगर आपको बिल्कुल फ्रेश सिलेक्शन लेना है तो आपको 95 क्वेश्चन प्लस करना पड़ेगा इसको। 125 में से अगर आप 95 प्लस कर जाते हैं तो आप 100% चयनित हो जाओगे। ओबीसी में 88 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 90 क्वेश्चन प्लस,
और एससी में 80 क्वेश्चन प्लस और एसटी में कोई वैकेंसी है नहीं, तो इस पर हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब बालिका वर्ग में भी यूआर और जनरल में 90 क्वेश्चन प्लस, ओबीसी में 85 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 85 क्वेश्चन प्लस और एससी में 75 क्वेश्चन प्लस, क्योंकि बालिका वर्ग में आपके वैकेंसियाँ मात्र 25 वैकेंसी आ रही हैं, तो मेरिट तो बढ़ के ही रहनी है इस बार। क्वेश्चन जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे तो बढ़ के रहेगी। तो ये है इस बार का कट ऑफ। जनरल में 95 क्वेश्चन आप प्लस कर जाते हैं तो बिल्कुल आप चयनित होंगे, ओबीसी में 88 क्वेश्चन प्लस और ईडब्ल्यूएस में 90 क्वेश्चन प्लस और एससी में 80 क्वेश्चन प्लस। तो ये है इस बार का कट ऑफ। अब बात करते हैं क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए आपकी जिससे आप पहली बार में चयनित हो सके। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा इस एग्जाम के लिए, दोस्तों अगर आपने पेपर देखा हो तो कम से कम सबसे अगर अधिक पार्ट पूछा जाता है तो वो इंटर से पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर इंटर से, और 9-10 से लगभग 125 में से लगभग 25 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे हाईस्कूल से, 25-26 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें और ओल्ड 12th की बुक, अगर आपने अब से देखा होगा 8-10 साल पहले 6 किताबें चलती थी फर्स्ट ईयर इंटर में, 6 किताबें जिसमें एलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये 6 किताबें चलती थी। और इस बार भी आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उन किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए और 9th, 11th और 12th की एनसीईआरटी, तो ये किताबें इनको बढ़िया करके आप लगा लें क्योंकि इन्हीं से पेपर पूछा जाता है अधिकतर। आप क्वेश्चन चाहे 2016 का सेट उठाकर देख लीजिएगा, 2021 का देख लीजिएगा, पिछली जो किताबें थी उनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन ऐसे हूबहू उठा के रख दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पेपर सेट करते हैं प्रोफेसर वे पुरानी किताबों से ही पेपर अधिकतर रखते हैं क्वेश्चन। वो 9th-10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़े और 9th-10th वो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़े और 6 किताबें पढ़े आप प्रीवियस पढ़े, और साथ ही साथ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए यूथ कॉम्पिटिशन का आता है या घटना चक्र का आता है। आपने देखा हो काफी जितने पिछले एग्जाम हुए हैं तो उनमें सभी का दे रखा है, यूथ है और घटना है, चाहे वो आपका टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, कोई सा भी एग्जाम हो सभी का प्रीवियस जरूर लगाना अनिवार्य है। तो आप ये लगाइए और साथ साथ में ये लगाइए तो आप 100% एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि किताबें कम पढ़ें और कॉन्सेप्ट पे अधिक फोकस करें, ये नहीं कि आप आर डी शर्मा की किताब भी पढ़ फिर रहे हैं ये भी वो भी, लेकिन आप ढंग से कुछ तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इंटर का सिलेबस तैयार करें, 6 पुरानी किताबें और इस बार की 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, 9th और 10th का अपना एनसीईआरटी पढ़ के जाएं और साथ साथ में यूथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएं या घटना चक्र वाले लगाएं, वो लास्ट में जाते जाते 2-4 प्रैक्टिस सेट अपना टाइम लगा के 2 घंटे का उनको सॉल्व करें तो आप निश्चित ही एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो दोस्तों एग्जाम डेट ये जून चल रहा है, जून तो ये निकल जाएगा फॉर्म भरने में, जुलाई तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग 3 महीने मान के चले, 3-3.5 महीने हैं आपके पास, तो मान के चले अक्टूबर के आसपास का एग्जाम 100% हो जाएगा। तो आपके पास अभी 3-3.5 महीने का समय है, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है कि हमें टीजीटी मैथ में जॉब करनी है, टीचर बनना है मैथ का, तो दोस्तों लग जाइए, इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं आएगा। कम किताबें पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस बार बार करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ होता है प्रैक्टिस का, उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना जीवन सुखमय कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये भर्ती जो आई है और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।